झारखंड के संताल परगना का गोड्डा राजनीति का उद्गम स्थल माना जाता है। शुरू से ही गोड्डा की राजनीति ने प्रदेश की रूपरेखा तय की। उस पर लोकसभा का चुनाव तो क्या कहने। एक तरफ अपने बड़े बोल के लिए विश्वविख्यात निशिकांत दुबे हैं, जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रत्याशी प्रदीप यादव के बीच इस बार आर पार की लड़ाई है। जब लड़ाई भीषण हो तो बवाल होना तो तय है। लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ दिनों से एक तस्वीर सामने आ रही है, जिसमें एक आदिवासी युवक भाजपा पर आरोप लगाए दिखाई देता है। एक आदिवासी युवक कहता है कि सांसद से 1932 पर आप क्यों विरोध करते हैं, ये सवाल पूछने पर उनके साथ बदसुलूकी की गई है। घटना हसरिया थाना क्षेत्र के बारीडी की बताई जा रही है। तस्वीर में भीड़ और भीड़ में तनातनी की तस्वीर तो साफ तौर पर देखी जा सकती है। आदिवासी युवक ने थाने में इसको लेकर शिकायत भी दर्ज की है। पहले आदिवासी उस युवक की बात सुन लेते हैं। आज हमारे ग्राम बारीडी में यहाँ के जो लोकल सांसद थे निशिकांत दुबे, वो आज हमारे गांव पहुँचे थे। जब वो वहाँ पहुँचे तो मैं ग्रामीण के नाते वहाँ पहुँचा और उससे मैंने सवाल किया कि सांसद जी, आप जो हैं चुनाव में ही दिखते हैं और बाकी दिन हमारे हम जनता लोगों का दुख दर्द बांटने आप क्यों नहीं आते। तो दूसरा सवाल मैंने पूछा कि सांसद जी, आप जो हैं सो 1932 का खतियान का विरोध क्यों करते हैं। बस इतना सा ही बोलने का देरी था। मैंने इतना ही सवाल किया अपने मूल्यवासी होने का कि आप खतियान 1932 का विरोध क्यों करते हैं। उसी में से उनके कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला बोल दिया और मुझे जाति सूचक बहुत गंदा गंदा कहा, नीच आदिवासी तुम जो है सो वो सवाल पूछने वाला कौन होता है, तुम्हारा अधिकार नहीं है सवाल पूछने का, साला हरामखोर सोतार, और इतने भद्दे भद्दे गाली दिए हमको। मैं वहाँ और उनके कार्यकर्ताओं ने सांसद जी के सामने मुझे धक्का मुक्का दिया, लेकिन मैं वहाँ से किसी तरह भीड़ से भागा और भाग करके थाना पहुँचा हूँ। मैं 6 बजे से अभी लगभग टाइम 9-10 बजने वाले हैं और मैं अभी थाना में हूँ। अभी तक मैं अब जमा मैंने कर दिया है। अब राजनीति है और राजनीति में चिंगारी को हवा दी जाती है, और हवा ना दी जाए तो वो क्या राजनीति। कांग्रेस प्रत्याशी ने जहाँ उस आदिवासी युवक के समर्थन में एकल धरना देकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की, तो झामुमो ने भी भाजपा प्रत्याशी निशिकांत दुबे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और उस आदिवासी युवक और ग्रामीणों के बीच उनसे मिलने पहुँच गए। बिल्कुल, कल हम लोगों को जानकारी मिली आप लोगों के सोशल मीडिया के माध्यम से और यहाँ के ग्रामीणों के माध्यम से जानकारी मिली कि कल सांसद जी अपने चुनाव प्रचार क्रम में यहाँ आए थे। और जब अजय जो मेरे बगल में बैठा हुआ है और बगल में पंडित जी भी हैं, और ग्रामीणों ने मिलकर के जब उनसे सवाल किया कि आप कभी आते नहीं हैं और 1932 का विरोध क्यों करते हैं, इसी पर वो आग बबूला हुए और उनके कार्यकर्ताओं ने अपना आपा खो दिया और इन लोगों के साथ मारपीट किया, अभद्र गालियां दी, जैसा कि अजय का बताना है। इससे ये साफ झलकता है कि हमारे सांसद जी अभी भी मनुवादी मानसिकता से ऊपर नहीं आ पाए हैं और ये झारखंड विरोधी हैं, ये खतियान विरोधी हैं और यहाँ आकर के अपना राज करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को इस चुनाव में मैं आह्वान करना चाहूँगा अपने खतियान यहाँ के धारियों से, मूल वासियों से, आदिवासी भाइयों से, यहाँ के एक एक जनमानस से कि ऐसे लोगों को इस बार चुनाव में सबक सिखाने की आवश्यकता है और निश्चित तौर पर इनको अपने घर वापस, जो तड़ी पार की बात हम लोग करते हैं, उनको कर देने की आवश्यकता है। ये अभी जो वर्तमान स्थिति है, आदिवासियों के साथ लगातार अत्याचार हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी के लोग ही करते हैं। आपको मध्य प्रदेश की वो घटना याद होगी आपको, जहां आदिवासियों पर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने पेशाब करने का काम किया, पेशाब पिलाने का काम किया। वही मानसिकता लेकर के यहां लोग आए हैं और अब उनके खिलाफ बोलना, कोई प्रश्न पूछना, तो वो इन लोग तो देशद्रोह का मामला करा देते हैं, राजद्रोह का मामला करवा देते हैं। तो ऐसी स्थिति में अभी हम लोगों के संज्ञान में ये बात आई है, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा इस पर संज्ञान लेगा और पुलिस प्रशासन से आग्रह है कि अविलंब FIR हो और उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है
तो अभी हम लोग आगे कदम अपना बढ़ाएंगे और इस इलाके के तमाम मूल वासियों को, यहाँ के आदिवासियों को हम लोग एकत्रित करने का काम करेंगे और इस बात को दूर तक पहुँचाने का हम लोग काम करेंगे। इस पूरे मामले पर पत्रकारिता की पूरी जिम्मेदारी निभाते हुए हमने भाजपा का भी पक्ष रखा है। जिला अध्यक्ष संजीव झा से भी हमने ये सवाल पूछा है और उन्होंने इस पूरे मामले को राजनीतिक षड्यंत्र बताया है और षड्यंत्र विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि ये पूरा जो मामला था पूरे तरह से सुनियोजित था और वो जो आदिवासी युवक था कहीं ना कहीं उसे विपक्ष की एक चाल बताई है। पहले उनका बयान सुन लेते हैं। क्या सत्यता था इसका? पहले तो मारपीट कोई हुआ नहीं है, हम लोग बारीडी में बूथ के संपर्क अभियान पे थे क्योंकि हम लोग का एक चला हुआ है कि जहाँ जहाँ 60% हम लोग को वोट मिला है वहाँ पे एक अपना सिस्टम बनाया, वहाँ सांसद ही जाएंगे और सब नीचे जहाँ कम है वहाँ कार्यकर्ता जा रहे हैं। उसी सिलसिले में हम लोग बारीडी में बैठे थे, बातचीत हो रही थी ग्रामीणों से, उस पंचायत के लोगों से। उसी बीच में बगल से आता है वो लड़का, तो उन्होंने सीधा विरोध किया कि भाजपा मुर्दाबाद 1932 खतियान का, क्योंकि तो सांसद जी से कोई बात भी नहीं किया, वो दूर भी दिखाएगा। अगर कोई वीडियो मिल जाता है कि अगर सांसद जी के साथ पूछा है कि आप हमको इसका जवाब दीजिए तो मैं मान जाऊंगा। पहले ऐसा तो उन्होंने पूछा नहीं, सीधा बाइक लगाया और ऐसा लग रहा था कि वो अपने पीके है, वो पीके है, तो ग्रामीण लोगों ने ही वहां से उनको हटाने का प्रयास किया। बाकी ऐसा मारपीट तो कहीं हुआ नहीं, मारपीट तो हुआ ही नहीं, कोई नहीं। लोकतंत्र में तो सबको अधिकार है। मारपीट नहीं हुआ है या फिर आपके कार्यकर्ताओं द्वारा मारपीट नहीं की गई थी? नहीं नहीं, मारपीट हुआ ही नहीं, मारपीट नहीं हुआ, नहीं कोई मारपीट नहीं हुआ। जब पी के कोई आ रहा है, जब अनगल बक रहा है, तो उसको तो वहां के ग्रामीणों ने हटाया, हम लोग को उससे कोई लेना देना नहीं। तो इस तरह का जो जनसंपर्क है, लोकतांत्रिक अधिकार है, सभी को जनता के बीच में वोट मांगने का अधिकार है। अगर इस तरह से विपक्ष के कैंडिडेट चाहता है कि हम चुनाव लड़े, तो क्योंकि हम लोग भी अपने क्षेत्र में जहां जाके विरोध कर सकते हैं, ऐसा थोड़ी ना है कि उनको काला झंडा नहीं दिखा सकते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, सब एक सिस्टम के, एक पद्धति जो बना है लोकतंत्र में उसके हिसाब से चुनाव लड़ेंगे। और कहीं तो हमको ऐसा लग रहा है कि वो हार मान चुके हैं। ये नहीं होता है कि जब मौत आता है तो लास्ट में थोड़ा सा एनर्जी आता है, तो वही एनर्जी है ये, बाकी तो उसमें कहीं कोई कंपटीशन है भी नहीं, हम लोग तो अपना काम कर रहे हैं। अब विरोध सुनियोजित था या जनता का गुबार था जो उस दिन निकला था तो मतदान के दिन ही स्पष्ट हो पाएगा, लेकिन यह बात सच है कि सवाल सत्ता से ही किए जाते हैं। 15 साल के शासन का हिसाब तो जनता मांगेगी ही, क्योंकि यही चुनाव का वक्त है जब ऊंट पहाड़ के नीचे आता है, यानी जनता के समक्ष नेता करवद्ध होते हैं। बाकी जनता जनार्दन है और अब जागरूक भी है, लेकिन चुनाव जो नजदीक आएगा सरगर्मी और दिलचस्पी बढ़ती जाएगी, क्योंकि यह गोड्डा का लोकसभा चुनाव है।